बीके गाइड चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सम प्रोडक्ट का एडवांस यूज कैसे किया जाता है। सम प्रोडक्ट का ही ये भी वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ कि भी लुकअप के साथ सम प्रोडक्ट का कैसे उपयोग करते हैं। तो देखिए सम प्रोडक्ट का कमाल का उपयोग। ये मेरे पास रेंज है, इसमें कुछ डेटा है, स्टूडेंट्स और उनका डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मार्क्स जो है ये इस रेंज में है। अब हमको निकालना है क्या कि नाम के अनुसार, नाम और सब्जेक्ट है अगर, तो उस स्टूडेंट का उस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया है, ये इसके लिए हम लोग एक फार्मूला फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो आप जानते हैं कि इसके लिए भी लुकअप बहुत आसान फार्मूला होता है, लेकिन भी लुकअप के साथ हमको चाहिए कॉलम नंबर। जैसे अगर भी लुक मान लीजिए कि यहाँ लगाते हैं भी लुकअप इज इक्वल टू भी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये नेम हो जाएगा मेरा। इसके बाद टेबल एरे, टेबल एरे में ये हो जाएगा ये टेबल जिसमें जिस रेंज में मेरा डेटा है। इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर जैसे निखिल है उसके साथ है केमिस्ट्री, यहाँ पर निखिल के साथ है केमिस्ट्री, यहाँ पर है ये कॉलम नंबर 3 में, तो कॉलम नंबर यहाँ जैसे 3 डाल देंगे अगर, और ये एग्जैक्ट मैच, तो ये हमारा निखिल का केमिस्ट्री का मार्क्स यहाँ आ जाता है 64। लेकिन इसमें ये देखिए ये जो है ये कॉलम इंडेक्स नंबर ये हमारा डायनेमिक नहीं हुआ। ये कॉलम इंडेक्स नंबर हम लोग डायनेमिक करना चाहते हैं, ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट चेंज करे। अब यहाँ सब्जेक्ट अगर चेंज करेंगे तो ये चेंज नहीं करेगा। तो इसके लिए ये कॉलम इंडेक्स नंबर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग सम प्रोडक्ट का यहाँ उपयोग करेंगे। ऐसे इसके लिए मैच का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सम प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए सम प्रोडक्ट जैसे ये सब्जेक्ट्स है यहाँ पर ले लेते हैं, अगर इसमें सम प्रोडक्ट और फिर से ब्रैकेट के अंदर अगर ले ले एरे, इसमें एरे ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले ले अगर, और इसको ब्रैकेट को बंद करें और इसको F9 अगर प्रेस करते हैं, इसको सेलेक्ट करके अगर F9 प्रेस कीजिए तो देखिए क्या आता है। ये आ जाता है नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिंदी, जो जो सब्जेक्ट यहाँ लिखा हुआ है ये आ जाता है। इसको कंट्रोल जेड करते हैं। अब यहाँ पर इसको अगर इक्वल टू कर दे, इक्वल टू में ये जो सेल में है इसका रेफरेंस दे दे इक्वल टू, और अब जो है सो अगर F9 हम प्रेस करते हैं तो देखिए क्या होता है। ये आ जाता है फॉल्स 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 ट्रू, ट्रू मतलब ये तीसरा कॉलम में केमिस्ट्री है तो यहाँ ट्रू आ जाता है। इस तरह से अगर ये जहाँ ट्रू आता है अगर उसका हमको ज्ञात हो जाए, ये जैसे ये तीसरा नंबर पर आता है, अगर दूसरा ये अंडू कर दीजिए और इसको अगर यहाँ केमिस्ट्री के बदले दूसरा सब्जेक्ट अगर कोई सेलेक्ट कर लेते हैं, सपोज कीजिए कि मैथ सेलेक्ट कर लिया, और अब जो है इसको क्लिक कीजिए और एरे 1 को अगर सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद F9 प्रेस कीजिए, तो ये देखिए जहाँ मैथ है, मैथ है कहाँ, 1 2 3 चौथा कॉलम में है, तो चौथा में ट्रू आ जा रहा है। तो हमको इस तरह से जहाँ ट्रू आता है उसका कॉलम नंबर हमको फाइंड आउट करना है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको अंडू कर देते हैं और इसके बाहर एक मल्टीप्लाई का साइन देते हैं। अब इसके बाद फिर से ब्रैकेट में कॉलम उसका ज्ञात करने के लिए अब कॉलम जो है फंक्शन ले लेते हैं, कॉलम फंक्शन, और इसके बाद फिर इसी रेंज को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया और इसको ब्रैकेट को बंद कर दिए, और अब जो है एक बार ब्रैकेट को फिर से बंद करते हैं और इसको सेलेक्ट करके देखिए F9 प्रेस करके क्या आता है। इसको सेलेक्ट करके F9 प्रेस करते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 आ जाता है, और उसमें अब जो है 1 2 3 4 5 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो
ट्रू से अगर मल्टीप्लाई होगा तो जो जो वैल्यू है वो आ जाएगा, और फॉल्स से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू नहीं आएगा। यहाँ अंडू कर देते हैं और अब जो है से इंटर करेंगे हम लोग प्रेस, तो ये क्या आ जाता है, देखिए 4 आ जाता है। मैथ हमारा कहाँ है, 4 पर है। तो इस तरह से हमको कॉलम नंबर फाइंड आउट हो गया। इस फॉर्मूला को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिए और भी लुकअप में चले जाते हैं। और ये जो कॉलम नंबर यहाँ पर ये था हमारा 3, इसके जगह पर जो फॉर्मूला हमने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देते हैं। ये इस तरह से फॉर्मूला हमारा चला आता है। और अब इसको इंटरप्रेस कीजिए तो ये अब आपका डायनेमिक हो जाएगा। देखिए अब ये डायनेमिक हो गया। ये मैथ का जो है निखिल का मैथ 79 आ गया। अब किसी को और को चेंज कीजिए, आपका अनिल, ये देखिए 63, अनिल का मैथ का 63 आ गया। इस तरह से सम प्रोडक्ट के सहायता से इसको हम लोग डायनेमिक बना लेते हैं। वी लुकअप में इस तरह से सम प्रोडक्ट का प्रयोग किया जाता है। इस काम को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था, मैच के सहायता से किया जा सकता था। उसको इस संबंध में हमने वीडियो डाला है, लेकिन फिर से आपको यहाँ थोड़ा सा बतला देता हूँ। इसी काम को अगर यहाँ पर अगर मैच का उपयोग करके करना हो तो फिर से देंगे यहाँ भी लुकअप, लुकअप वैल्यू में यही ये नाम हो जाएगा, लुकअप एरे में हो जाएगा ये हमारा पूरा रेंज। इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर में हम लोग क्या देंगे उसके जगह पर, मैच में लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगा मैच में, ये मैच। और इसके बाद टेबल एरे लुकअप एरे में ये जो ऊपर हेडर है उसको लेना होगा, और मैच टाइप में एग्जैक्ट मैच। और फिर से ये अब हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए हो गया, और इसके बाद हम लोग देते थे फॉल्स एग्जैक्ट मैच के लिए, कॉलम को बंद करेंगे। ये भी वही वैल्यू देगा जो हमारा सम प्रोडक्ट के सहायता से होता था। तो आप सम प्रोडक्ट के सहायता से भी कर सकते हैं और मैच के सहायता से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से भी लुकअप में हम लोग सम प्रोडक्ट का उपयोग कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो बीके गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।